कोशमर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, बद्रीनाथ धाम में बजी खतरे की घंटी। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं। मास्टर प्लान के तहत बन रखे रिवर फ्रंट का काम बंद कर दिया गया। ग्लेशियर पिघलने से अलकनंदा नदी के जलस्तर बढ़ने की खबर सामने आ रही है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से अब लोगों में दहशत का माहौल है। अलकनंदा नदी का जलस्तर ब्रह्म कपाल के पास तक पहुंचा। कटाव की वजह से खतरा और भी बढ़ गया है, ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर जोशीमठ से इस वक्त आपके सामने है। बद्रीनाथ धाम में खतरे की घंटी बजती हुई लोग महसूस कर पा रहे हैं। ये तस्वीर वहां की आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर जलस्तर बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का, वो आप देख पा रहे हैं। मास्टर प्लान के तहत बन रहे रिवर फ्रंट का काम बंद हो गया है। ग्लेशियर पिघलने से कहा यह जा रहा है कि अलकनंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और अब यहाँ के आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अलकनंदा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म कपाल के पास तक ये जलस्तर पहुंचा है अलकनंदा नदी का। ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। कटाव की वजह से खतरा और ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ा, कटाव लगातार जारी है। कटाव की वजह से खतरा आसपास के हिस्सों में लगातार बढ़ गया है। लोग डरे हुए, सहमे हुए, दहशत में हैं। इस वक्त जोशीमठ से ये खबर आपके सामने है। अलकनंदा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिवर फ्रंट का काम जो यहाँ पर चल रहा था वो बंद हो चुका है। ग्लेशियर पिघलने से लगातार पानी में इजाफा, जलस्तर में बढ़ोतरी और आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कटाव लगातार जारी और कटाव की वजह से भी खतरा यहाँ पर बढ़ रहा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उफान पर ये नदी है, जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में केदारनाथ जाने वाले दो यात्रियों की जान जाने की बात सामने आ रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर खांकरा धार के पास खाई में गिरी कार और उसके बाद यह हादसा हुआ, दो युवकों की जान गई है। 18 जून को दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा पर ये दोनों ही निकले थे। काफी मशक्कत के बाद आपदा प्रबंधन की टीम ने शव को बाहर निकाला है। देर शाम ट्रेन की मदद से शव को निकाला गया। मरने वालों में 23 साल के जतिन डागर और 26 साल के विशाल, ये दो नाम बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि खाई में कार गिरने की खबर किसी को नहीं थी। घर वालों ने जब फोन किया तो रिसीव नहीं हो पाया, जिसके बाद अनहोनी की आशंका के डर से परिजनों ने खोजबीन शुरू की और इस दौरान मोबाइल फोन का लोकेशन कांकरा के पास मिला, जिसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम वहां पर पहुंची। उसके बाद इस हादसे का की जानकारी मिली, जिसमें दो यात्रियों की मौत हो चुकी थी। ये दोनों ही की पहचान हो चुकी है। इनके घर वालों ने जांच पड़ताल की, खोजबीन की, अधिकारियों से संपर्क किया और उसके बाद यहाँ पर इनके मौत की जानकारी मिली। सड़क हादसा, केदारनाथ जाने वाले दो यात्रियों की जान गई है इस हादसे में। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर खांकरा धार के पास यह हादसा हुआ, जिसमें दो लोगों की जान गई है। आज कर्णप्रयाग के दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिन्हा, में यह जानकारी है। पोखरी ब्लॉक के जिलासू में आयोजित रामकथा में वो शामिल होने वाले हैं। सुबह वक्त है 11:55 का, तकरीबन 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी कर्णप्रयाग। उनका दौरा है पोखरी ब्लॉक में, जिलासू में आयोजित होना है रामकथा, जिसमें उनको शामिल भी होना है। 12 बजे के आसपास कर्णप्रयाग के अस्थाई हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और फिर दोपहर 12 बजे सिवाई हेलीपैड से रामकथा कार्यक्रम में वो जाएंगे। सीएम धामी कथावाचक मुरारी बापू की रामकथा सुनने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो रामकथा सुनते हुए दिखाई देंगे। तो कर्णप्रयाग का दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, 12 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे, उसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। रामकथा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है जिलासू में, जिसमें शामिल होने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।